जनपद में त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन का बिगुल बज चुका है। आरक्षण सूची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनपद में 1294 सीटों पर प्रधान पद का चुनाव होना है। इसके अलावा 15372 ग्राम पंचायत सदस्य, 1704 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही 68 जिला पंचायत वार्ड का भी चुनाव होगा, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 20 पदों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाएगा, जिसे बीडीसी मेंबर चुनेंगे। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 4 पदों के लिए होने वाले मतदान में अलग अलग 4 बैलेट पेपर रहेंगे, लेकिन सभी एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर साफ सफाई, शुद्ध पेयजल और बिजली की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जैसा कि ज्ञात है कि आज चुनाव आयोग के द्वारा 4 चरणों में चुनाव की घोषणा कराई गई है, जिसके तहत गोरखपुर में 15 अप्रैल को प्रथम चरण में ही चुनाव कराया जाएगा और इसमें 3 और 4 अप्रैल को इसके लिए नामांकन करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आरक्षण का अंतिम प्रकाशन करके सूची जो है चस्पा कर दी गई है, तथा आरक्षण का जो अंतिम सूची है इसे सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय भी भेज दिया गया है, ताकि उसे चुनाव कराने के लिए आगे प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा जो है इंटरटेनमेंट विभाग और जो DPRO ऑफिस है, ये मिल करके कैमरा और बाकी जो भी चीज़ें जरूरत होती है चुनाव के लिए, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। और AMF जो एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, जाकि जो भी चुनाव कराने जाएं बूथ पर, उसको पानी या टॉयलेट की व्यवस्था हो, इसकी भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए हर बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे हैं, जहाँ भी कोई कमी है उसे पंचायती राज विभाग उसको सही करा रहा है। रैम के भी इंतजाम कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है आने वाले समय में जो पर्सनल्स हैं, जो ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, जो भी जाकर के चुनाव कराएंगे उनकी भी ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है, जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बाकी जो भी इसके अलावा जो सेंसिटिव बूथ हैं, हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, उसकी भी ऑलरेडी पहचान की जा चुकी है, ताकि उस पर जो भी जरूरत के कदम उठाने हैं वो सभी उठाए जाएंगे। सर, कितने पदों पर चुनाव होगा? कुल मिलाकर के 1294 ग्राम प्रधान के पद हैं। इसके अलावा लगभग 15372 जो है ग्राम पंचायत सदस्य के पद हैं, और लगभग 1704 जो है ये क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद हैं, और 68 जो है जिला पंचायत वार्ड के पद हैं, और 20 प्रमुख के पद हैं। इन सभी पदों पे चुनाव होगा। प्रमुख के पद का चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं होता, वो जो BDC मेंबर्स हैं वो बाद में आपस में से प्रमुख चुनते हैं। सर, जो बैलेट पेपर रहेगा अलग अलग रहेगा? हाँ, बैलेट पेपर जो है वो अलग अलग कलर का रहेगा, उसके अलग अलग ये रहेगा, लेकिन बैलेट पेपर को एक ही बक्से में जो है स्टील का जो बक्सा जो रहेगा, एक ही मतदान पेटी रहेगी, उसी में डाला जाएगा। समय तो काफ़ी लगेगा, तो समय का कोई निर्धारण है कितने बजे तक मतदान होगा? हाँ, ये अभी पूरी डिटेल गाइडलाइन हमें मिली नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी डिटेल गाइडलाइन मिलेगी, जो समय रहेगा, उसी के आधार पर उसको मतदान कराई जाएगी। मतगणना का जो समय है वो 2 मई अभी निर्धारित है। 2 मई से मतगणना प्रारंभ होगी और जब तक कम्प्लीट हो जाए।